यहां मैनपुरी में सपा सांसद डिंपल यादव का बड़ा बयान आया है, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त ऊर्जा। हम बड़े अंतराल में निकाय चुनाव जीतेंगे, भाजपा, आम आदमी और सपा के कार्यकर्ताओं का कर रही उत्पीड़न। 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो सत्ता पक्ष के लोग भौचक्के रह जाएंगे, क्योंकि 2 दिन पहले एक व्यक्ति को पुलिसकर्मी ले गए और ले जाने के बाद पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। उसका पार्थिव शरीर उनके परिजनों को सौंप दिया। हमारे देश की संस्कृति नहीं है, मानवता बिल्कुल मर चुकी है, और शासन जिसकी तरीके से प्रदेश में कार्य कर रही है उन्हें शोभा नहीं देता। वंदे भारत न्यूज रिपोर्टर रोहित यादव, जिला मैनपुरी से। मैं समझती हूँ कि कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और बहुत अच्छी तरह से समाजवादी पार्टी मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र जीत के आएंगे। आइए आइए। किस तरीके से ऊर्जा भरेंगे, क्योंकि जो विपक्ष है वो षड्यंत्रकारी है और ये देखा गया है कि कहीं ना कहीं षड्यंत्र करके पार्टी को डिमोलाइज करने की कोशिश कर रहा है, बरगला रहा है, क्या कहें? उत्पीड़न, लोगों को सप्रेस करने की लगातार कोशिश हो रही है। जहाँ तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न और सामान्य लोगों का उत्पीड़न भी लगातार होता जा रहा है और लोग इस बात को अब समझ रहे हैं। अब जब आप रिजल्ट देखेंगे 4 तारीख को, तो आप सब को इस बात का पता चलेगा कि समाजवादी पार्टी मैनपुरी से बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर रही है। आज कुरावली आप गए थे, कुरावली आज गए थे जहां परिवार को सांत्वना दी थी, क्या कहेंगे? 4 लोग एक ही परिवार से एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाए हैं, और यहाँ आने का पहले प्रोग्राम था मेरा, लेकिन क्योंकि अब मैं कुरावली आ रही थी तो मैं सभी घर मिलके आई परिवारजनों से। मैनपुरी में जिन लोगों को टिकट नहीं मिली आपकी पार्टी से, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है नुकसान नहीं करेंगे आपका? अब देखिएगा समाजवादी पार्टी मैनपुरी में जीत के आएगी इस बार। मैम एक आखिरी सवाल, एक तरफ प्रदेश में जो शासक है एनकाउंटर की भरमार है, दूसरी तरफ बिल्कुल पड़ोसी राज्य बिहार। देखेंगे, अभी 2 दिन पहले की घटना है मैनपुरी की, जहाँ पे हमारी एक जन को लोग ले गए पुलिस वाले और उन्होंने पीट पीट के उसको मार डाला, और 3 दिन बाद पार्थिव शरीर परिवार वालों को सौंपा गया है। तो लगातार इस तरह का उत्पीड़न लोगों पे बढ़ रहा है, और जो मानवता का जो एक उसूल होता है उसे लगातार तहस नहस सा तोड़ा जा रहा है, और हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता हमें यह सीख नहीं देती है जिस तरह से उत्तर प्रदेश के शासक काम कर रहे हैं। पड़ोस का राज्य जो बिहार है,